हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए करंट मंथन। जी हां, करंट मंथन, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स के प्रिलिम्स और मेंस से सरोकार रखने वाले ऐसे टॉपिक्स जो यूपीएससी के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट हो उनको हम बिल्कुल आसान भाषा में कवर कर सके। आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और बात करते हैं काफी सारी है ना टॉपिक्स के बारे में। आज तारीख है 27th ऑफ अगस्त। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सेशन में हम लोग प्रिलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी जो वन ईयर करंट अफेयर्स है वो मैं एमसीक्यूज के माध्यम से आपको स्पेशल क्लासेस पे करवा रहा हूं। तो मुझे यहां पे अन अकेडमी की प्रोफाइल पे फॉलो जरूर कर लीजिए सो दैट स्पेशल क्लासेस पे मैं जो सेशंस लूं है ना वो आपको पता चल सके। सर सेशन का टाइमिंग क्या है? तो अभी अभी है ना आपको पता है सेशन हमारे थोड़े इररेगुलर चल रहे थे बिकॉज ऑफ व्हाट्स एवर रीजन है ना, तो हमने सेशन की टाइमिंग शो कर दिया है रिवाइज। ये टाइमिंग हो गई है अब अपनी सेशन की, एक मॉर्निंग स्लॉट में आपसे मिला करूंगा मैं और दूसरा इवनिंग स्लॉट में मिला करूंगा, ये टाइमिंग रहेगी। बस ये वाला जो सेशन है इसका टाइमिंग आज के लिए 10 AM है क्योंकि कल रात में मैंने जब ये शेड्यूल बनाया उससे पहले ये क्लास शेड्यूल हो गई थी, तो इस क्लास का टाइम आज के लिए 10 बजे है, 10 AM है। कल से है ना ये क्लास भी 8:30 पे होगी तो ये शेड्यूल फॉलो होगा, आपको याद रखने की भी दिक्कत नहीं है। 7 AM 8:30 AM 7 PM 8:30 PM इतना आसान सा शेड्यूल है हमारा, तो आराम से आप अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स और PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए है ना। स्पेशल क्लासेस पे काफी सारे फीचर्स हैं, MCQs वहां पे वन ईयर का करेंगे तो वहां पे आपका रैंक वगैरह आता रहता है, लीडर बोर्ड आता है, तो बड़ा बढ़िया ऑप्शन है। PDF वगैरह भी डाउनलोड ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यूपीएससी कॉम्बैट आप जरूर दें। यूपीएससी कॉम्बैट जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, 60 मिनट का समय होता है, 56 क्वेश्चन होते हैं, हर संडे को ये हम लोग करवा रहे हैं, इसको जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें अगर आपके बढ़िया रैंक आते हैं तो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल सकता है, बाकी रैंक वालों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है जी, चलिए टॉपिक्स की तरफ चलते हैं है ना, टॉपिक्स की तरफ चलते हैं और करते हैं बातें। किस चीज की करते हैं बातें? सबसे पहले GS1 की। GS1 में हम किस चीज की बातें कर रहे हैं भैया? तो अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया है ना, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन बता दो मुझे। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन क्या है? पैसिफिक ओशन में है ना, पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के आसपास। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन के टर्म्स में आप बात करें है ना, तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है तो इसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट, अगर आपसे मैं ज्योग्राफिकल फीचर की बात करूं तो इसके आसपास में इस तरफ है कोरल सी जो कि काफी न्यूज में रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा राइट, कोरल सी है ना, कोरल सी। और यहां पर ही कोरल सी में ही क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सी ये अक्सर न्यूज में रहता है अफ्रीका के कंटेक्स्ट में, ही आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है कि कई बार आपसे एल नीनो या एनसो से भी संबंधित ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसमें भी अफ्रीका के बारे में पूछा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन आपको ध्यान रखना है, कोरल सी और ग्रेट बैरियर रीफ ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट से चलते हैं, यहां पर क्या बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया का मेंशन क्यों आया? तो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी में है ना, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी में 14 है ना एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स हैं और कुछ स्कल्पचर्स हैं, जिसमें से कि एक 12th सेंचुरी का स्कल्पचर है। स्कल्पचर यानी कि मूर्ति, पेंटिंग मतलब आपको पता ही है, 12th सेंचुरी का स्कल्पचर है किसका, डांसिंग चाइल्ड सेंट है ना, बालक सन्यासी, जिनको क्या ना कहते हैं हम, जिनको कहते हैं समंदर है ना, जिनको क्या कहते हैं समंदर। तो समंदर साहब की क्या है, स्कल्पचर है, इसको ऑस्ट्रेलिया भारत को वापस लौटा है। इस मोमेंट पे एक बात तो समझ में आ गई कि ऑस्ट्रेलिया बाहर वापस लौटा रहा है, 14 पेंटिंग्स है और काफी सारे स्कल्पचर्स हैं 12th सेंचुरी के आसपास का डेट करते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ भी नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं, भारत का जो असली खजाना है वो तो वहां है ना, उस देश में है जो देश हम पर शासन करने आया था और हमारे यहां से सामान लूट कर ले गया, वो देश कौन है, इंग्लैंड है भैया है ना, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आप देखें कि फॉरेन सॉइल में इंडियन आर्टिफैक्ट्स आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन काल में खूब सारा है ना सामान माल मत्तर भारत से लेकर गए और इंग्लैंड में भरते गए। अगर इंग्लैंड के सिर्फ है ना मैं विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की बात करूं है ना, इंग्लैंड के सिर्फ विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की बात करूं,
सर इतना सामान है यहाँ पर, है ना, इतना सामान है कि यहाँ से अगर किसी दिन हम सोच भी लें ना, गवर्नमेंट करार कर भी ले ब्रिटेन के साथ कि नहीं भैया, ब्रिटेन बोल दे कि हम सामान लौटा रहे हैं, इंडिया बोले हम ले आएंगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें सारा सामान लाना, है ना, क्योंकि ये लोग तो इतना लंबा शासनकाल था इनका, एक एक करके ले जा रहे थे, अब एक बार में अगर हमें लाना भी पड़े तो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, चलिए, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम जो है लंदन में, द आर्ट ऑब्जेक्ट्स जनरली बिलोंग फ्रॉम 2nd century BC to 15th century, है ना, यहाँ पे इतना आर्ट ऑब्जेक्ट्स है भारत का जो 2nd century BC से लेकर, है ना, 15th century तक बिलोंग कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कुछ बहुत प्रोमिनेंट है ना हाई क्लास आर्टिफैक्ट जो यहाँ पर है, उनमें से एक है शिव नटराज का स्कल्पचर, है ना, किसका स्कल्पचर, नटराज का स्कल्पचर, जो कि बना हुआ है कॉपर के एलॉय से, ठीक है, कॉपर के एलॉय से बना हुआ है, 12th century पीस है ये तमिलनाडु से, और दिस पीस वॉज बेसिकली डोनेटेड इन 1935 बाय लॉर्ड एम्पथिल, है ना, हु वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास फ्रॉम 1900 to 1906। अब आप देख रहे हैं शब्दों का प्रयोग, डोनेट किया इसको किसने, किसने, मद्रास के गवर्नर ने। अरे भैया तुम कौन होते हो डोनेट करने वाले, चीज हमारी, डोनेट तुमने अपनी मर्जी से कर दिया, बहुत बढ़िया, है ना, अपने ही देश के एक म्यूजियम में, उन्होंने अपने देश के एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया, अपनी मर्जी से, चीज हमारी थी, है ना। तो खैर, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट जो है वो यही है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा और अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेटिव पीस वॉज पार्ट ऑफ ट्रेजर एक्सकेवेटेड एट कोयम्बटूर, है ना, 15th century से कोयम्बटूर से जो खुदाई हुई थी वहां से काफी सारी चीजें निकली थी, तो उसको लॉर्ड कर्जन जो है, है ना, उस समय वॉइसराय थे 1905 के आसपास, है ना, तो 1898 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन वॉइसराय थे और ये लेकर गए इंग्लैंड, है ना। इसी प्रकार जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है, है ना, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है लंदन का, उस ज्योग्राफिकल सोसाइटी के पास भारत के, है ना, आज जो मैप बनते हैं वो तो प्रिंटेड बन जाते हैं, पहले पेंटिंग वगैरह बनते थे, है ना, उन्हीं की मदद से, है ना, 3D टाइप के मैप्स बना देते थे वो लोग। तो मजे की बात यह है कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की बहुत, है ना, फाइन ड्राइंग, बहुत प्राइसलेस ड्राइंग जो है वो ये लोग यहाँ ले गए, यहाँ से ले गए, भारत की थी, भारत में बनी हुई थी, अब इनको जब जाना होता था, है ना, तो उनमें से एक उठा के लिए चल ले, ठीक है। तो ये कौन ले गया, मेनली सर्वेयर्स जो ब्रिटिश शिप्स पे थे, तो वो लोग ये ले गए, और 17th century और 18th century के बने हुए हैं ये, ठीक है, 17th century और 18th century के बने हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं लंदन के ही ब्रिटिश लाइब्रेरी की बात करूं, है ना, लंदन, अरे 200 साल इस देश ने, इंग्लैंड ने, यूके ने 200 साल भारतीयों के पैसे पर खाया है। इंग्लैंड वॉज कॉल्ड, इंडिया वॉज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ ब्रिटेन, क्यों, क्योंकि यहीं का पैसा खाते थे भैया, ठीक है। ब्रिटिश लाइब्रेरी अगर आप देखेंगे लंदन की, तो यहाँ पर, है ना, काफी सारे आर्काइव्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, जितना भी उस समय पब्लिक वर्क्स वगैरह हो रहा था, है ना, उन सभी के डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स फॉर अफेयर्स ऑफ इंडिया है, या जो इंडिया ऑफिस है, इन सब से संबंधित डॉक्यूमेंट्स इंडिया में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री बोर्ड बना रही है, इरिगेशन कैनाल्स बना रही है, ये जो आप अगर दिल्ली से कभी हरिद्वार की तरफ आए होंगे, तो एक तो आपका जो मेरठ एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है, दूसरा एक रास्ता आता है कनाल की साइड में, है ना, अपर गंगा कनाल जिसको आप कहते हैं, तो अपर गंगा कनाल विच वॉज बेसिकली बिल्ट इन 1842, है ना, लगभग रुड़की के आसपास तक बना हुआ है। तो अपर गंगा कैनाल, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो ब्रिजेज हैं, उन सब के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिलेंगे। तो भैया हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, तो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ इतिहास में क्या हुआ। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अब हर किसी के पास इतना पैसा है तो नहीं, है ना, अब मैं तो देखो गरीब आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, है ना, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं टिकट कटवा के लंदन जाऊं, लंदन में रहूं कुछ दिन, ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है लंदन का वो एक्सप्लोर करूं, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी जाऊं देखने के लिए, और जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है वहां पर जाऊं और फिर पता करूं कि भैया क्या हो रहा था भारत में, क्या चल रहा था। हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं है, और अगर हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं है तो फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है मेरे भाई,
सॉल्यूशन ये है कि भारत सरकार या तो उनको ले आए, है ना, देशों के साथ। अब देखो, क्योंकि इंग्लैंड का भौकाल तो है नहीं, है ना, इंग्लैंड का भौकाल है नहीं और भारत का थोड़ा बहुत तो है, तो या तो बातचीत करके ले आए। वैसे हकीकत यह है कि लाना जो है वो भी बहुत आसान नहीं है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। एक तो बहुत कॉस्टली अफेयर, इतना सामान है यार, बहुत कॉस्टली अफेयर है, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, फिर से कहीं रास्ते में गायब हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, है ना, सोना चोरी हो जाता है हमारे यहाँ से, तो एयरपोर्ट वगैरह पे जब सीज करके रखते हैं, कस्टम्स वाले सीज करके रखते हैं, है ना, और सोना चोरी हो जाता है, कौन करता है? अब लाइव प्लेटफॉर्म में बोलूंगा नहीं कौन करता है, ठीक है जी, बट मतलब आप सोचो ना, कस्टम्स ने सीज करके रखा और उनकी निगरानी से चोरी हो गया, तो क्या उनके बिना परमिशन के हो जाएगा क्या? खैर ये सब तो अलग बातें हैं। एक तो ले आ सकते हैं बट महंगा है और सिक्योरिटी का भी उसमें इशू रहेगा, तो कम से कम ये तो कर लें कि कुछ, है ना, हम उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाएं, भारत सरकार वो जनता को उपलब्ध करवाए, कम से कम जानकारी तो भारत के जनता तक पहुंचे, है ना। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे देश की क्या चीजें बाहर रखी हुई हैं, उनसे क्या जानकारी मिल सकती है हमें, है ना, तो कम से कम वो जानकारी हम लोगों तक उपलब्ध करवाएं, कुछ डॉक्यूमेंट्री बना के, है ना, मूवीज बनाकर ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मूवी मतलब वो वाला नहीं, इचक्या इचक्या वैसा वाला नहीं, है ना। चलिए, काफी सारा वैसे तो हमारा आर्ट आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो है, जो इन्वेडर्स थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि आप देखेंगे सारनाथ जो टेम्पल है वहां पे जो नोज और फेस है मूर्तियों के, है ना, उनको चिप अवे कर दिया गया था, ठीक है। एलिफेंटा केव्स जब आप देखेंगे वहां पे स्टैचूज, है ना, टेकिंग बैक टू 7th century हैव बीन डिसफिगर्ड। और इसी प्रकार जो हम्पी है ना, जो विजयनगर एम्पायर की शान आन और बान माना जाता था, है ना, हम्पी में भी काफी सारा, है ना, रुइंस आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक है बॉस, कंफर्टेबल है। चलिए, यहां तक की बातें तो समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो डिस्ट्रक्शन देख लिया आपने इन्वेडर्स का, है ना। अब आइए जीएस पेपर 2 में लिए चलता हूं मैं आपको डायरेक्ट, जीएस पेपर 2, है ना, जीएस पेपर 2 में कौन सा टॉपिक जी, जीएस पेपर 2 में मैं आपको लिए चल रहा हूं गवर्नेंस का टॉपिक सर, है ना, गवर्नेंस, गवर्नेंस के टॉपिक में ई गवर्नेंस आता है और ई गवर्नेंस के अंदर आता है प्रगति, है ना। तो अभी अभी 37th मीटिंग हुई प्रगति की, कितनी, 37वीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी अध्यक्षता की, 37th मीटिंग। प्रगति जो है वो बेसिकली एक एक्रोनिम है, शॉर्ट टर्म है, फुल फॉर्म क्या है इसका, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, है ना, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि ई गवर्नेंस का मॉडल है, ठीक, और फिर मैंने नाम बताया इसका प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव पहला टर्म, दूसरा टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ओवरऑल एजेंडा, ओवरऑल पर्पस क्या है इस प्लेटफॉर्म का, ये तो आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, क्या, अकाउंटेबिलिटी, है ना, जवाबदेही तय करना इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ठीक है। तो ये दरअसल एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT बेस्ड, है ना, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हम कॉमन मैन की ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सकते हैं, और हम मतलब सरकार, है ना, कॉमन मैन की ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सकती है और मॉनिटर करती है, रिव्यू करती है जो भी सरकारी योजनाएं या सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, है ना, जो राज्य सरकारों के द्वारा फ्लैग किए गए, ठीक है। तो राज्यों के अंदर चल रहे प्रोग्राम्स को केंद्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ही इसको डिजाइन किया था NIC की एक टीम की मदद से, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर करते हैं जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको डायरेक्ट PMO से बैठकर, ठीक है, और इसमें जितने भी राज्य के सेक्रेटरीज वगैरह हैं सब लोग जुड़ते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पस मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, यूनिक इंटरैक्शन, है ना, यूनिक इंटरैक्टिव और इंटीग्रेशन का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो तीन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा, पहला ग्रीवांस रिड्रेसल, दूसरा प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और तीसरा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, है ना, तीन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दिया इसने। दिस यूनिकली बंडल्स 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, क्या क्या टेक्नोलॉजीज को बंडल कर रहा है जी, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल, है ना, टेक्नोलॉजी। तो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर जियो टैग्ड बेसिकली, ठीक है।
तो ये इसके फीचर्स हैं प्रगति के। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रगति के माध्यम से सरकार, या आप कह सकते हैं सरकार की जो गतिविधि है, वो ज्यादा इफिशियंट हो रही है और ज्यादा क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है। ठीक है, दिस इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के डायरेक्शन में एक स्टेप है। सिंस इट ब्रिंग्स वन स्टेज, है ना, ऑन वन स्टेज द सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ सेक्रेटरीज, पहले है ना कई बार कई सारे राज्यों ने, कई बार क्या मतलब, ये डेली डे टू डे इशू था कि राज्य कहते थे कि भैया हमारे साथ ना अन्याय हो रहा है, केंद्र के जो सेक्रेटरी हैं, केंद्र के जो मंत्रालय हैं, वहां से हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा, केंद्र वाले कहते थे राज्यों से हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा, एक कम्युनिकेशन गैप रहता था, है ना, सब लोग एक जगह नहीं बैठते थे। अब इसके माध्यम से क्या हो रहा है, वर्चुअली सारे स्टेट के सेक्रेटरीज, है ना, केंद्र के सेक्रेटरीज सब एक साथ बैठे हुए हैं जी, है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, अब बताओ कौन क्या काम नहीं कर रहा, है ना, बताओ। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो काम का स्पीड है वो फास्ट होगा, ठीक है, और जो नहीं कर रहा उसको बताना पड़ेगा भैया क्यों नहीं किया, है ना, तो उसकी भी हवा टाइट हो जाएगी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ी रही है, रिस्पॉन्सिवनेस तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में ये एक, है ना, इंपॉर्टेंट पहल है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दिस इज ऑल्सो एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, जाहिर सी बात है। ठीक है बॉस, प्रगति सेटल्ड है, क्वेश्चन आएगा प्रगति से तो गलत मत करना, आज 10 बजे के सेशन में भी मैं प्रगति से एक क्वेश्चन डालूंगा, गलत नहीं करना है आपने। ठीक है, आ जाइए राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं, है ना, लेट अस टॉक अबाउट राइस फोर्टिफिकेशन। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, है ना, बैकग्राउंड में कुछ हुआ अभी 10-15 दिन पहले, और उसके बाद फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आएंगे कि अभी क्या चर्चा चल रही है, अखबारों में क्या आ रहा है। बैकग्राउंड में जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, है ना, इंडिपेंडेंस डे के माहौल में, है ना, अनाउंस किया कि जो राइस बांटा जाता है पीडीएस सिस्टम के द्वारा, है ना, जो चावल पीडीएस सिस्टम के द्वारा बांटा जाता है 2024 तक, है ना, उस चावल को हम फोर्टिफाई करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मिड डे मील स्कीम है, जो स्कूलों में, है ना, हम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराते हैं बालकों को, वहां पे जिस चावल का प्रयोग होगा उसको भी हम फोर्टिफाई कर रहे हैं, मतलब पीडीएस और मिड डे मील स्कीम वाले चावल का फोर्टिफिकेशन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राइस फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि जो कोई एक्चुअल, है ना, कोई भी फूड ग्रेन है, साधारणतर जो स्टेपल क्रॉप्स होते हैं उन्हीं में हम करते हैं, तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियली ऐड कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हो गया, है ना, चावल उग गया, चावल को हम खेतों से वेयर हाउस में ले आए, फिर वेयर हाउस से हम उसको एक वैल्यू एडिशन वाली जगह पर एक प्लांट में ले गए, और वहां पर हम उस चावल में क्या कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं। क्यों करते हैं जी ऐसा, ऐसा करते हैं कि जो समाज में, है ना, माल न्यूट्रिशन की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, अंडर नरिशमेंट है, है ना, उसको दूर करने के लिए, कि भैया हर कोई अनार नहीं खरीद सकता, हर कोई सेब नहीं खरीद सकता, है ना, हर कोई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद सकता, तो जो स्टेपल क्रॉप होते हैं, साधारण तौर पर फोर्टिफिकेशन किसका किया जाएगा, है ना, ड्राई फ्रूट्स में काजू का फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा, फोर्टिफिकेशन सामान्य चीजों का जो सभी लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ऑयल है, जैसे कि आटा है, है ना, जैसे कि चावल है, इस तरह की चीजों का फोर्टिफिकेशन सामान्य तौर पे किया जाता है। ठीक है जी, तो फोर्टिफिकेशन में हमने क्या किया, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियली ऐड कर दिया जी ऊपर से, सो दैट वो न्यूट्रिएंट्स भी चावल के साथ साथ, या आटे में ऐड किया तो आटे के साथ साथ जो भी खाने वाला है उस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या है भैया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को एड्रेस करना। ठीक है, अब भारत में आपको पता है माल न्यूट्रिशन की हालत, है ना, अगर भारत में हमें पता है माल न्यूट्रिशन की आदत, तो हम न्यूट्रिशन को एनकरेज करने के लिए, नरिशमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई कि 2024 तक, है ना, जो राइस है हम उसको फोर्टिफाई कर देंगे, जो पीडीएस पे मिलता है, जो मिड डे मील स्कीम में मिलता है, सो दैट हमारे यहाँ के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पीडीएस से सामान लेते हैं, जो मिड डे मील के लाभुक हैं, बेनिफिशियरी बालक हैं, उनको फोर्टिफाइड राइस मिल सके। पर्पस क्लियर है, है ना, पर्पस क्लियर है। अब समझना ये पड़ेगा यहां पर कि आखिर चावल को ही क्यों चुना, है ना, राइस फोर्टिफिकेशन ही क्यों, तो दो, है ना,
साइड्स में आपको दिखाऊंगा, पहले वाई चावल एंड दूसरा वाई फोर्टिफिकेशन। तो देखो अगर मैं चावल की बात करूं तो भारत जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, है ना। पूरे वर्ल्ड में जितना राइस का प्रोडक्शन है उसका 22% प्रोडक्शन यही हो जाता है। अच्छा, प्रोडक्शन इतना ज्यादा है तो क्या हम एक्सपोर्ट कर देते हैं? भैया बहुत सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट तो करते हैं, बट बहुत सिग्निफिकेंट कंजम्पशन भी है हमारा। हमारी आबादी इतनी बड़ी है और आप देखेंगे कि चावल के शौकीन है हमारे यहाँ लोग, है ना। ईस्ट इंडिया वाले चावल खाएंगे ही, है ना, साउथ इंडिया वाले चावल खाएंगे ही, नॉर्थ इंडिया वाले भी खाते ही, है ना। ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया वाले तो मतलब सिर्फ चावल ही खाएंगे, नॉर्थ इंडिया वाले ठीक है रोटी और चावल दोनों खा लेते हैं शौक से मजे से, है ना। राजमा बनेगा तब भी चावल ही खाएंगे, कड़ी बनेगा तब भी नॉर्थ इंडिया वाले चावल ही खाएंगे, है ना, छोले बनेंगे तब भी चावल ही खाएंगे, और ईस्ट इंडिया वाले तो खैर है ना खाते ही। तो चावल जो है वो इंडिया में एक सैपल क्रॉप है ना, चावल क्या है, एक सैपल क्रॉप है। और ठीक, इंडिया इज ऑल्सो अ लीडिंग कंज्यूमर, पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है ना, प्रति व्यक्ति कंजम्पशन अगर पूरे देश का हम निकालें, मतलब ये एवरेज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इतना खा लेते हो बुरा मत मानना, बट हकीकत यही है, पर कैपिटा कंजम्पशन एक महीने का 6.8 किलोग्राम ऑफ राइस है ना। एक महीने में एक एवरेज भारतीय 6.8 किलोग्राम चावल खा लेता है, ठीक है। तो इससे बढ़िया जरिया क्या हो सकता है भैया, अगर मुझे न्यूट्रिएंट, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, इससे बढ़िया जरिया क्या हो सकता है, है ना। बट एक तरफ तो ये फिगर है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत में हर दूसरी महिला जो है वो एनेमिक है ना, हर दूसरी महिला एनेमिक है, और हर तीसरा बच्चा जो है वो स्टंटेड है। स्टंटेड है मतलब उसकी हाइट की ग्रोथ नहीं हुई, है ना, इत्तूसा रह गया, ठीक है, इत्तूसा रह गया। तो हर दूसरी महिला एनेमिक और हर तीसरा बच्चा क्या, इत्तूसा रह गया। ऐसे में है ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो 107 कंट्रीज में 94 रैंक है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, सीरियस हंगर वाले स्टेज में है हम, है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा भैया, और अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ तो करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो भैया सबसे कॉमनली लोग जिस चीज को खाते हैं उसी में मिला देते हैं, इसीलिए राइस में मिलाने की सोचा हमने, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं कि हम पहले कंट्री हैं जो राइस फोर्टिफिकेशन की सोच रहे हैं, ऑलरेडी कई सारे देशों में राइस फोर्टिफिकेशन चल रहा है, और उसमें से एक देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है ना, उसके पास में ही है ना कुछ देश जो आपके मतलब कैरेबियन के आसपास के हैं, कोस्टा रिका वगैरह है ना, निकारागुआ, अच्छा इधर आप आ जाएंगे तो पपुआ न्यू गिनी है, फिलीपींस है ना, सोलोमन आइलैंड है, ये सब भी, ये पनामा पेपर्स आपको याद ही होंगे, अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आ गया था उसे, तो ये सारे कंट्रीज में ऑलरेडी राइस फोर्टिफिकेशन है। बड़े देशों में देखें तो यूएसए जो है वहां पर है। अच्छा, ये सारे वो देश हैं जहां मैंडेटेड है ना, मैंडेटेड। इसके अलावा थोड़े बहुत स्केल पे अगर बाकी देश में भी हो रहा हो वो एक अलग बात, ठीक है। अब सवाल ये उठता है यहां पर, बरखुरदार ध्यान से समझिएगा, बरखुरदार है ना, बरखुरदार सुनो जागो। अब सवाल क्या है कि राइस का फोर्टिफिकेशन आखिर किया कैसे जाएगा? तो जो फूड सेफ्टी है ना, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको आप कहते हैं FSSAI, है ना, उसके अनुसार 1 किलो चावल है ना को, है ना, कितना आयरन होना चाहिए 1 किलो चावल में, 28 mg से लेकर 42.5 mg तक होना चाहिए आयरन। फोलिक एसिड कितना होना चाहिए, 75 to 125 mg। विटामिन B12 होना चाहिए 0.75 से लेकर 1.25 mg, ठीक है, इतना डालना है हमें, है ना। इन एडिशन राइस में ऑल्सो भी फोर्टिफाइड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें डालनी है हमने, क्या क्या, आयरन डालना है, फोलिक एसिड डालना है, विटामिन B12 डालना है, और इसके अलावा हम कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं, या तो इकलौता कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट या कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। पर अब सवाल ये है भाई साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस तो कर दिया, पर जब से अनाउंस किया है तब से हो हंगामा मचा हुआ है कि भैया क्या फूड फोर्टिफिकेशन है ना, पर्टिकुलरली राइस फोर्टिफिकेशन हमारी सोसाइटी के लिए उचित है, क्या जो सोचकर हम ये ला रहे हैं वो है ना रिजल्ट हमें मिलेगा क्या। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हो रही है कि जो एनीमिया बर्डन है उसका जो डाटा है उस कहीं ना कहीं हम ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेशन ऑफ एनीमिया बर्डन ड्यू टू फॉलोइंग टू फैक्टर्स, है ना।
बोले दो वजहों से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं। पहला क्या है, बोले WHO जो हीमोग्लोबिन का कट ऑफ बता रहा है वो थोड़ा हाई है। देखो हर जगह के लोग डिफरेंट है। अभी अगर कोविड की बात हो तो आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो कुछ देशों में ज्यादा प्रभावी होंगे, कुछ देशों में नहीं होंगे, है ना। कोविड का असर कुछ देशों में ज्यादा हुआ, कुछ देशों में कम हुआ। तो बेसिकली इंडिविजुअल है ना पर भी डिपेंड करता है, और हर देशों का जो पॉपुलेशन है वो अलग प्रकार का होता है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक सेटअप है उसके हिसाब से है ना काफी सारी बायोलॉजिकल चीजें जो है वो डिटरमाइन होती है। तो WHO का जो हीमोग्लोबिन कट ऑफ है वो काफी हाई है ना। एनीमिया इज डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल, कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसके आधार पर हम एनीमिया का डायग्नोसिस करते हैं, है ना। अब ग्लोबल कंसेंसस है कि WHO हीमोग्लोबिन कट ऑफ यूज प्रेजेंटली जो वो काफी ज्यादा ऊपर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, टू हाई, रिजल्टिंग इन इन्फ्लेटेड एनीमिया फिगर। अब भाई जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा जिसका हीमोग्लोबिन सर्टेन अमाउंट से कम है वो एनेमिक है ना, और WHO ने वो कट ऑफ जो है वो बहुत हाई रखा, तो काफी सारे लोग होंगे जो उसके नीचे होंगे, तो नंबर ऑफ एनीमिक इंडिविजुअल है ना की संख्या ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। जो लैंसेट स्टडीज है, लैंसेट के रिपोर्ट की काफी बार चर्चा कर चुके हैं हम, हेल्थ सेक्टर के रिपोर्ट इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। लैंसेट की रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि लोअर हीमोग्लोबिन कट ऑफ है ना होनी चाहिए एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, खासकर भारतीय चिल्ड्रन में, है ना। यूजिंग दिस विल एक्चुअली रिड्यूस एनीमिया बर्डन बाय 2/3, जितना अभी हमें लगता है कि लोग एनेमिक हैं 2/3 रिडक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है, अगर हम जो कट ऑफ है उसको सही सेट कर दें। अभी WHO ने थोड़ा ज्यादा ऊपर रखा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, यूजिंग कैपिलरी ब्लड सैंपल, है ना। हीमोग्लोबिन लेवल कैन बी फॉल्सली है ना लो व्हेन अ कैपिलरी ब्लड सैंपल, जो कि हम फिंगर प्रिक में आप देखते ही होंगे ना, जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो कई बार तो कभी तो ऐसे निकालते हैं, है ना, कभी ऐसे यहाँ पे एक इंजेक्ट ऐसा नीडल लगाया और वहां से निकला उसको ले लिया, ठीक है। तो जो कैपिलरी ब्लड सैंपल हम लेते हैं फिंगर प्रिक से, दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट, है ना, इंस्टीड ऑफ मोर रिलायबल वेनस ब्लड सैंपल। वेनस ब्लड सैंपल जो कि सिरिंज से हम कहाँ से निकालते हैं, आर्म के वेन से निकालते हैं, ठीक है। एनीमिया बर्डन इज एस्टिमेटेड फ्रॉम कैपिलरी ब्लड, ठीक। ग्लोबल स्टडीज इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया हैव शोन दैट यूजिंग कैपिलरी ब्लड इन्फ्लेट द एनीमिया बर्डन सब्सटेंशियली, है ना। अगर हम कैपिलरी से वाला टेस्ट करते हैं, ऐसे प्रिक करके टेस्ट लेते हैं तो ज्यादा आएगा, है ना। अगर वही हम यहां से ब्लड निकाल कर फिर टेस्ट करने लगे कम है, ठीक है जी। इफ द रिकमेंडेड वेनस ब्लड सैंपल इज यूज्ड, इट वुड हैव हाफ दिस बर्डन, है ना। जितनी एनीमिया एनीमिक की संख्या है भारत में वो संख्या जो है वो आधी हो जाएगी अगर हम वेन से ब्लड लेना शुरू कर दे तो, ठीक है जी। और क्या बात है, अब एक बहुत बड़ा विवाद है ना, देखो जो जड़ है वही गुल हो जाएगा। हम आयरन डिफिशियंसी, हम क्या कह रहे हैं भैया, एनीमिया हो रहा है, एनीमिया आयरन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, उसके लिए राइस फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पर एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या एनीमिया का असल वजह आयरन डिफिशियंसी ही है या कुछ और वजह है। बताया जाता है कि आयरन डिफिशियंसी जो है वो प्राइमरी कॉज है ना, आयरन डिफिशियंसी जो है वो प्राइमरी कॉज है एनीमिया के लिए। बट अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय आप जिसको कहते हैं, है ना, उसके नेशनल सर्वे में ये बात समझ में आई कि आयरन डेफिशिएंसी वाज रिलेटेड टू लेस देन हाफ द एनीमिक केसेस। जितनी भी एनीमिक केसेस हैं भारत में बालकों में, है ना, उसमें जो जिन केसेस में इन्होंने सर्वे किया, तो सिर्फ 50% केसेस में एनीमिया का वजह आयरन डेफिशिएंसी था। मतलब 50% केसेस में आयरन डेफिशिएंसी इज नॉट अ रीजन। इफ आयरन डेफिशिएंसी इज नॉट अ रीजन, व्हाट इज द रीजन, है ना, व्हाट इज द रीजन। बाकी के जो न्यूट्रिएंट हैं, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक है, ठीक है, वो है ना होने की वजह से एनीमिक बच्चे निकल रहे हैं। इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ हमें बाकी के न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो एडिक्वेट प्रोटीन्स हैं, उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी को एड्रेस करने से एनीमिया से नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो क्या इंडियन डाइट जो है, एक सवाल ये उठता है, क्या जो हम भारत में सामान्य रूप से जो भोजन करते हैं क्या उसमें आयरन की बहुत ज्यादा कमी है, है ना। हम मानते हैं कि आयरन डेफिशिएंट है बेस्ड ऑन ओल्डर आयरन रिक्वायरमेंट्स, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, न्यूट्रिशन 2010
ठीक, और उसमें जो आयरन की रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी वो काफी ज्यादा थी। लेटेस्ट करेक्टेड आयरन रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे 2020 के डाटा के अनुसार तो 30-40% कम है वो आयरन की रिक्वायरमेंट। और अगर 30-40% आयरन की रिक्वायरमेंट कम है तो सो कॉल्ड जो आयरन गैप है वो भी हमारा कम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आयरन डिफिशियंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी जी। ठीक है, समझ गए यहां तक की बात। और एक आखिरी पॉइंट ये भी है यहाँ पे कि राइस फोर्टिफिकेशन की हम अभी बात कर रहे हैं, राइस फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें जो 45 राइस कर्नल है विच शुड बी है ना इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ग्रेन, इट इज फोर्टिफाइंग इन अपियरेंस डेंसिटी कुक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, प्रॉब्लम लाइज इन मेकिंग मैचिंग कर्नल्स फॉर ईच राइस वैरायटी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फूड सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स। इफ इट डज नॉट मैच तो इंस्टिंक्ट ऑफ अ होम कुक विल बी टू पिक अप एंड डिस्कार्ड द ऑड ग्रेन्स देयर बाय डिफीटिंग द पर्पस ऑफ फोर्टिफिकेशन, है ना। अलग अलग करना पड़ेगा ऑड ग्रेन्स, ये बड़ा मुश्किल काम है जी, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, चलिए आयरन डिफिशियंसी समझ गए। आयरन डिफिशियंसी की वजह से हम राइस फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं क्या निगेटिव्स हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सारी बातें समझ में आई गई है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में ही हरियाणा की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला नौकरी का, है ना, नौकरी का नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें ओबीसी के मामले में है ना एक पेंच फंस गया। ओबीसी में हरियाणा सरकार ने कहा कि भैया हमने एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा दिया है, इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया से ऊपर जिनका भी है ना इनकम वगैरह है वो ओबीसी क्राइटेरिया, वो ओबीसी के लिए ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो क्रीमी लेयर में आ गए, ऐसा हरियाणा सरकार ने कह दिया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कर ली तुमने अपनी, है ना, बोले निकालो। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्वेश्चन द ऑर्डर, है ना, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा जो स्पेसिफाई कर रहा था एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर विद इन द बैकवर्ड क्लासेस, है ना, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ही इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर एक क्रीमी लेयर बता रहे थे उसको एक्सक्लूड कर रहे थे। तो इसको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया। केस का नाम क्या है, केस का नाम है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा, है ना, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्टेटेड दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी यूज्ड एज सोल बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, है ना, बैकवर्डनेस। ठीक है, सोल बेसिस के रूप में इकोनॉमिक क्राइटेरिया को नहीं ले सकते जी, है ना, क्रीमी लेयर अगर हमें डिफाइन करना है तो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये क्रीमी लेयर का फंडा क्या है और कहां से आया है, है ना। तो 1992 में इंदिरा साहनी केस का जजमेंट देखते हैं, 1992 इंदिरा साहनी केस का जजमेंट देखते हैं। कोर्ट ने यहीं पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट को है इंट्रोड्यूस किया था और बोला कि क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ऐसा कम्युनिटी है जो कि एडवांस हो चुका है, उसको और ज्यादा है ना मदद की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी अब ठीक ठाक पोजीशन पर है। ऐसे पर्सन कौन आएगा फिर इसमें जो एडवांस हो चुका है, किसको मान रहे हैं, बोले कोई संवैधानिक है ना पद पर हो, अब उसके बच्चे हैं या वो व्यक्ति खुद है, कोई हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, किसके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर भूमि बहुत बड़ी बड़ी की, पूरा का पूरा गांव खरीद रखा है भाई साहब, है ना, तो बोले आप कहाँ है ना बैकवर्ड हो रहे हो सर। तो कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ सिग्निफिकेंट रैंक से ऊपर का अफसर है, ठीक है, तो उन सभी को बोला गया, या जिसकी एनुअल इनकम है ना ज्यादा है, इन सभी लोगों को बोला गया कि भैया आप क्रीमी लेयर में आ गए, आप ऑलरेडी आपका एडवांसमेंट हो चुका है तो बाकी लोगों को जगह दीजिए। कंसेप्ट कहां से आया जी, इंदिरा साहनी केस से आया। कोर्ट रूल्ड दैट दीस सेक्शन शुड बी डिनाइड, है ना, द रिजर्वेशन बेनिफिट्स एज दे आर एडवांस्ड, ठीक है, अमंग्स द बीसी एंड फॉर्मुलेटेड क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग, कोर्ट ने उनके लिए क्राइटेरिया भी बना दिया। अब अभी जो केस आया है ना, अभी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट है आइए देखते हैं। तो इट करेक्टेड द एरर बाय स्टेट विच फिक्स्ड इनकम 6 लाख एज द सोल क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हरियाणा सरकार क्या कह रही, भैया 6 लाख से ऊपर जिसका भी इनकम है वो क्रीमी लेयर में आ गया, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं भैया ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ये है कि हरियाणा का जो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन इनकम
अलोन वेयर है ना कंट्रोरी टू इट्स ओन है ना इट्स ओन लॉ दैट स्पेसिफाइज क्रीमी लेयर वुड बी आइडेंटिफाइड थ्रू सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स. बोले सर एक फैक्टर के आधार पर क्रीमी लेयर का डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है ना, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा. संवैधानिक प्रावधान क्या है इस मामले में है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस है ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ठीक है. दिस वॉज एक्सटेंडेड फर्दर बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटी. हाउएवर जो जुडिशरी है दैट लेटर इंट्रोड्यूस 50% सीलिंग एंड क्रीमी लेयर कंसेप्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऑन रिजर्वेशन बेनिफिट ठीक है जी. तो 50% का रिजर्वेशन पे सीलिंग लगाया और ये जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया, दोनों ही एक तरह से क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है रिजर्वेशन में ठीक. जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है ना, उसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए. तो दिस हैज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम ठीक है बॉस. यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं. अगला अपडेट है हमारा निधि कंपनी से संबंधित है ना, निधि मैम की कंपनी नहीं है ये ठीक है, निधि कंपनी है जी. गुड मॉर्निंग आमिर हुसैन, गुड मॉर्निंग पोरवाल, गुड मॉर्निंग अजय, आशु फुरकान अंसारी, अभिनव वर्मा, नंदन सर को अभिनंदन. क्या बात है, आज सुबह सुबह टेस्ट नहीं दिया है इन लोगों ने, प्लस वाले बच्चों ने है ना, आज मैं उनको टेस्ट पेपर नहीं दे पाया सुबह, तो शायरी कर रहे हैं यहाँ देख रहे हो. चलिए नंदन सर का अभिनंदन, अभी जब टेस्ट होगा तब अभिनंदन निकलेगा तुम्हारा. चलिए निधि कंपनीज के बारे में बात करते हैं. हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ना, उसने वार्न किया है लोगों को, बोला कि भैया ये जो तुम काम कर रहे हो ना है ना, कि सेविंग्स को निधि कंपनी में पार्क कर दिया ठीक है, तो नन ऑफ द फर्म्स हैव अप्लाइड सो फार टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिलेवेंट रूल्स वॉज है ना कंप्लेंट विद द है ना वॉज कंप्लेंट विद द नॉर्म्स. बोले ये बड़ा गलत गोरख धंधा कर रहे हो तुम लोग निधि कंपनीज के नाम पे है ना, अपना पैसा उधर पार्क कर रहे हो, रूल वूल को फॉलो करते नहीं हो, बहुत गड़बड़ काम चल रहा है. सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि निधि कंपनीज होती क्या है ना, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का टॉपिक है ये. निधि कंपनीज आर बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. निधि कंपनीज क्या है जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फॉर्म टू बोरो एंड लेंड मनी टू इट्स मेंबर्स ठीक है. पर्पस क्या है, बोरो करना और मनी को लेंड करना, किसको है ना, किससे, मेंबर्स ठीक है, टू इट्स मेंबर ठीक, मेंबर को यहां पर है ना पैसा देते हैं, कर्जा देते हैं, उधारी देते हैं बेसिकली. इट इनकुलकेट्स हैबिट ऑफ सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स एंड वर्क्स एज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट. कोई सेव कर रहा है, किसी को लोन मिल रहा है, रिजर्व बैंक जो है वो रेगुलेटरी ओवरसाइट निधि कंपनीज के ऊपर रखता है ना. आरबीआई हैज रिलैक्स द नॉर्म्स फॉर निधि कंपनीज एज कंपेयर टू अदर एनबीएफसी एंड एग्जेम्प्टेड देम फ्रॉम कोर प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट बिकॉज दे डील विद है ना देयर शेयर होल्डर्स ओनली है ना. निधि कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर से डील करती हैं और इसीलिए आरबीआई ने थोड़ा रिलैक्स नॉर्म इनके लिए रखा है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेटी है यहाँ पर जिसका नाम आपको बिल्कुल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और इनफैक्ट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है. कमेटी का नाम क्या है, सभा है ना, सबन यगम कमेटी ठीक है. तो सबन यगम कमेटी जो है उसने सजेस्ट किया था कि थोड़ा पॉलिसी चेंजेस करना चाहिए, निधि कंपनीज के ऊपर जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा है ना उसमें बदलाव करना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ना ने नोटिफाई किया नए रेगुलेशन को कि निधि कंपनीज के अंदर जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड को रोकना पड़ेगा. कंपनीज एक्ट 2013 में परिवर्तन किया और निधि कंपनीज के जो रूल है 2014 के उनमें भी परिवर्तन किया. तो एनडीएच 4 फॉर्म इज टू बी सबमिटेड बाय फर्म टू गेट एनरोल्ड एज निधि कंपनीज है ना, ये फॉर्म भरना पड़ेगा. जो इन्वेस्टर एडवाइजरीज हैं रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ द एंटीसीडेंट्स एंड स्टेटस ऑफ अ निधि कंपनी बिफोर इन्वेस्टिगेशन हैव टू बी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. कई सारे फर्म्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर किए जा चुके हैं कि वो अनफिट हैं एज दे वेर नॉन कंप्लायंट विद द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है ना. अ फर्म इज नोटिफाइड एज अ निधि कंपनी बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 62 अंडर सेक्शन 620 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1961
56, ठीक है जी। दिस वॉज ऑल अबाउट निधि कंपनीज। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, 8:05 हो गए हैं और आज हमने सेशन थोड़ा लेट शुरू किया था, कल से कोशिश करेंगे कि 7 इस सेशन को शुरू कर लें और 8 तक फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर लें और 8:30 में फिर हमारी एमसीक्यू की क्लास हो जाए थोड़ा सा ब्रेक के बाद, ठीक है जी। इस ब्रेक में आप रिवीजन वगैरह का काम कर सकते हैं और 30 का ब्रेक लिया करेंगे और ब्रेक के बाद हम वो कर लेंगे। बट आज मैंने आपको बताया ये क्लास ऑलरेडी, चूंकि कल हमने पहले ही शेड्यूल करवा दी थी, तो आज ये क्लास बस 10 के लिए आज 10 कर लीजिए, कल से 8:30 हुआ करें, ठीक है जी। बाकी आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं वहाँ, बेसिक फाउंडेशन कैप्सूल सभी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जीएस ऑप्शनल सीसेट टॉप एडुकेटर्स के साथ आप कर पाएंगे, जो टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, डाउट सेशन है, सब कुछ है ना वहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। लाइव क्लासेस हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ज्वाइन करना है कोड यही वाला यूज़ करना है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा सपोर्ट मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, है ना। प्रीलिम्स कम मेंस के बैचेस, ऑप्शनल के बैचेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स, है ना, गाइडेंस, सब कुछ आपको मिल रहा है। प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है वो अनअकैडमी की तरफ से अलग और मेरी तरफ से अलग आपको मिल रहा है, ठीक है। 60 का प्रीलिम्स प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 15,000 इज फी और डिस्काउंट के बाद जो है 13,500 फी है। डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करना है आपको DN Live, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके आप 13,500 में 2 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। 25% प्लस 10% प्लस 10% का डिस्काउंट है, 49,000 में 1 का सब्सक्रिप्शन और 71,000 में 2 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। साथ ही साथ 21 टेस्ट ऑप्शनल के फ्री हैं, 80 टेस्ट GS के, जिसमें से 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अनअकैडमी की तरफ से नोट्स मिल रहा है, एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है, लोन की सुविधा उपलब्ध है, तो हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्लस ये आइकॉनिक कुछ भी ले सकते हैं, अभी तक जो भी बताया वो प्लस में उपलब्ध है। आइकॉनिक में मेरे अलावा एक और मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, है ना, टेस्ट एनालिसिस वगैरह रहेगा और स्टडी प्लानर रहेगा, तो वो बेनिफिट आपको आइकॉनिक में मिलेगा। अभी अगर आप चाहें तो विदाउट ऑप्शनल सिर्फ GS का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उसकी फी थोड़ी कम है, बट दोनों में 5,000 का ही डिफरेंस है। अगर आपका ऑप्शनल है ना आप चाहते हैं कि कवर करना, तो विथ ऑप्शनल ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और एक बैच अभी हमने परसों से शुरू किया था 25 से, अगर आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल बैचेस इनफैक्ट शुरू हुए हैं, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए एक मिशन मोड में बैच हम लोग चला रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ बैचेस हमने 18 से शुरू किए थे, उसमें 2021 वाला बैच भी था, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे सारे डिटेल्स मिलेंगे। 10 मिलते हैं MCQ की क्लास में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, लेट्स क्रैक इट।